अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फराज किचन। आज फराज किचन में मैं बना रही हूँ देसी घी। चलिए आज मैं बताती हूँ कि कैसे मैं अपने घर में घर की भलाई से देसी घी तैयार करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फराज किचन। मक्खन जो मैंने आपके सामने बनाया था, आज मैं उससे देसी घी बनाने लगी हूँ। और चलें मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे मक्खन में बनाती हूँ। ये सारा मक्खन गरम होने के लिए रख देंगे। मैं बनाती हूँ कढ़ाई में, ये देखें, थोड़ा सा मैंने निकाल के रख लिया जो हमारे मक्खन यूज़ के लिए चाहिए था, बाकी सारा मैं गरम होने के लिए रख देती हूँ। जब ये गरम हो जाएगा और इसका पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा तो घी निकल आएगा, वो हमारा होगा देसी घी। बटर मेल्ट हो रहा है इस तरह, ये देखें, और मुर्गा अपने काम पे लगा हुआ है। अब इसके लिए मैं बेबस हूँ, उसको मैं रोक नहीं सकती। तो ये जब बटर अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा और पानी नीचे बैठ के बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो फिर हमारा देसी घी तैयार हो जाएगा। चलिए मैं आपको साथ साथ अपडेट करती रहती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें स्टेज पे आ गया घी, लेकिन अभी नीचे से ये पतला है। जब ये बिल्कुल पानी इसका ड्राई हो जाएगा तो फिर हम घी बिल्कुल अच्छे से तैयार होगा। अभी इसमें ज़रा पानी है, थोड़ा सा रह गया ऊपर, झाग जब ख़त्म हो जाएगी तो घी बन जाएगा। जी व्यूअर्स, ये देखें अब ये मक्खन बिल्कुल रेडी है। जो इसका पानी है वो नीचे बिल्कुल खुश हो गया, ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो जो हमारा घी है वो सड़ जाएगा, इसलिए अब हम इस स्टेज पे इसको बंद कर देंगे फ्लेम को, ताकि ये फिर थोड़ी देर बाद ठंडा होकर बिल्कुल और ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। ठीक है, ये ठंडा होने पे मैं इसे बोतल में निकालती हूँ। जी व्यूअर्स, देसी घी की मैंने कहा आज चूरी भी आपको बना के दिखाऊँ, और मैं बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। मोस्टली लोग जो है वो पराठा बना के चूरी बनाते हैं, ये मैं इस ज़रा बड़े साइज़ का पेड़ा लेके तो ज़रा मोटी रोटी बनाएंगे और फिर इस देसी घी से हम चूरी बनाएंगे। रोटी मैंने बना ली है और इसके ऊपर अब मैं डालूँगी देसी घी। ये देखें गरम गरम रोटी है, और इसके ऊपर अब जाएगा चीनी, जितनी ज़्यादा मीठा चाहे। और इसको मैं ऐसे गरम ऐसे रख के थोड़ी देर, जब ये ज़रा नरम हो जाएगा घी में और चीनी से, फिर इसको हाथों से करते हैं। ये देखें आज हाथों से अच्छी तरह गूंद ली है मैंने, और आप इसको मैं तवे पे रखूँगी ताकि ये थोड़ी सी, मैंने मोटी रोटी होती है तो अंदर से थोड़ी सी इसको पकाने की, अब इसको हल्की आग पे तवे पे रख के मज़ीद गूंदूँगी तो इसके बड़े अच्छे से लड्डू बन जाएंगे। ये देखें चूरी बहुत अच्छे से, ये देखें बिल्कुल ऐसे गूंद के ही है, अच्छे से आपने हाथों से बहुत अच्छे से करना है, बड़ी सॉफ्ट। इसका मज़ा ही तब आता है। चूरी का मतलब क्या है, ये नहीं कि पापड़ जैसा पराठा और आप चीनी डाल के बना लें उसको, इसके नरम से सॉफ्ट से मुंह में डालो तो मक्खन की तरह अंदर चली जाए। और अब इसके मैं बनाती हूँ बॉल्स, लड्डू, और बना के इसे सर्व करते हैं। चूरी के लड्डू हो रहे हैं तैयार, तकरीबन रेडी हैं। सर्दियों में जब रात को खाने में लेट नाइट तक जब दिल चाहता है कोई मज़े की चीज़ हो, ताकत की, तो उसके लिए ये बेस्ट है। जी व्यूअर्स, चूरी रेडी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन बटन दबा दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।